तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। माझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम। जीतन राम मांझी के महागठबंधन को आईना दिखाने के बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही यह भी कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। उसके बाद फिर जिस प्रकार से अभी अपना ही घर संभाल नहीं पा रहे हैं और देश के विपक्ष को एक करने चले हैं, उस पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए जमुई के सांसद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उनके वीडियो में जैसा कि वह कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार उन सभी लोगों को धोखा देते हैं जो एक बार छोड़कर फिर दोबारा विश्वास करते हैं, तो फिर वह नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि एक तरह से प्रवृत्ति रहा है या कल्चर रहा है। वह इन बातों को मुखर रूप से कहते हुए नजर आए। उससे पहले बता दें कि पिछले 3 सालों से जिस प्रकार से चिराग पासवान ने एक मुहिम छेड़ी है नीतीश कुमार के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ कह सकते हैं, और उनके नीतियों के खिलाफ, और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो जिला जिला घूम कर लगातार कह सकते हैं कि चिराग पासवान पोल खोलते हुए नजर आते हैं, पोल खोल करते हुए नजर आते हैं, मगर इसमें कह सकते हैं कि चिराग पासवान यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके लिए यह एक खुशी होने का विषय है या फिर उन पर कटाक्ष करने का एक जोरदार मौका मिला और वह नहीं चूक रहे हैं। मगर इससे पहले बता दें कि आप इन तमाम वीडियो को सुनेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। माझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है, संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। जहां एक तरफ वो विपक्ष के घर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें यहां पे खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे जब जो व्यक्ति अपने खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो उन्हीं के ही घटक दल थे ना, इतने समय से, लंबे समय से उनके साथ में थे, जब यही उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये एक विपक्षी एकता का मंच तैयार करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता हैं या दल हैं, वो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे, उस पे प्रश्न चिन्ह आज की इस घटना से ही खड़ा होता है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, जोरदार हमला नीतीश कुमार पर बोले हुए थे। तो और भी बिहार के सियासत की खबरों देखने के लिए आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।